वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को फिलअप किया है और कितनी ही तरह की एफआई चल रही है कि फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं या फिर रिजेक्ट हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है विद प्रूफ के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिंक को कॉपी कर देता हूँ। आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इसे वहाँ पर भी ओपन कर कर देख सकते हैं। आपको मोबाइल पर ये देखा जा सकता है। तो यहाँ पर गो पर क्लिक कीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर गो पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये रेलवे ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस का जो है मेन चैप्टर खुलकर आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसमें हल्का नीचे आएंगे। अब आपको चेक करना होगा कि आपने अपने फॉर्म को कहाँ पर फिलअप किया था, इनके किस जोन के लिए फिलअप किया था। अहमदाबाद, अजमेर, स्टेटस, इलाहाबाद, जहाँ पर भी था आपका, मेरा अहमदाबाद था, मैं अहमदाबाद पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अहमदाबाद पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड जो है सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पर फिलअप कर दिया है, आपको यहाँ से नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, तो आपके सामने जो मेन पोर्शन वो खुल कर आएगा डेट ऑफ बर्थ का। तो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करता हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ मुझको यहाँ पर अपना भरना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करता हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ का जो है वो ऑप्शन यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। ये ऊपर आ गया है तो देख सकते हैं। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो अप्रैल में ना होकर जनवरी में होगी। तो जनवरी, उसके बाद आपका 1996, 1996 के बाद आपका 15 जनवरी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 15/96 आपका यहाँ पर खुलकर लॉगिन आ गया है। फिर आपको ये कैप्चर कोड जो यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर कैप्चर कोड जो है वो फिलअप कर कर दिखाता हूँ। तो इसको कैपिटल कर लेना होगा आपको, आर के के बाद आपका एक्स, उसके बाद आपका आर और एन होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप कैप्चर कोड को फिलअप करते हैं, आप लोग को लॉगिन पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लॉगिन पर ये एक्सेप्ट किया है, अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डियर मोहनलाल, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना और योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ प्रोमिशनली एक्सेप्टेड। तो आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि आपको किस किस तरह मैंने तरीका बताया है आपको अपने किस तरह से अपने फॉर्म को चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। तो आप भी अपने फॉर्म को चेक कीजिए और फिर संतुष्ट हो जाइए अपनी तैयारी करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।